मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा रविवार को शाम राहगीर डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी ने राहगीरों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से इवनिंग मेलोडी ग्रुप के कलाकारों द्वारा ऑर्केस्ट्रा जादू डांस का आयोजन किया गया। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम के अंतर्गत रायगढ़ जिला प्रशासन द्वारा रविवार को शाम 7 बजे से राहगीर डे कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में जिला प्रशासन के सभी आला अधिकारी उपस्थित रहे। राहगीरों को मतदान के प्रति जागरूक करने के उद्देश्य से राहगीर डे का आयोजन किया गया था। इसमें शहर के इवनिंग मेलोडी ग्रुप के कलाकारों द्वारा ऑर्केस्ट्रा का आयोजन किया गया था। देशभक्ति गीत व फिल्मी गीतों के समावेश के इस आयोजन में युवा वर्ग जमकर थिरके। जिला प्रशासन द्वारा नृत्य करने वाले युवा लड़की और लड़कों के लिए इनाम भी रखा गया था। साथ ही क्विज कंपटीशन भी कराया गया, जिसमें मतदान से जुड़े सवालों के सही जवाब देने वाले लोगों को पुरस्कारों का वितरण किया गया। जमशेदपुर से आए प्रख्यात जादूगर तरुण सरकार ने जादू का खेल दिखाया। जिला कलेक्टर सम्मी आबिदी व जिला पंचायत CO संजय चंदन त्रिपाठी सहित सभी आम लोगों ने इस जादू का लुत्फ उठाया। DJ में रागी डे में टैटू कलाकार भी शामिल हुए और सभी प्रशासनिक अधिकारियों सहित आम लोगों को भी आवाज जरूरी है का टैटू बनाया। जिला कलेक्टर सम्मी आबिदी, SP दीपक कुमार झा एवं जिला पंचायत संजय चंदन त्रिपाठी द्वारा मतदान के प्रतीक 3 रंग के गुब्बारों को आसमान में छोड़ा गया। वहीं उपस्थित सभी लोगों को जिला कलेक्टर द्वारा निष्पक्ष मतदान करने की शपथ दिलाई गई। युवाओं को मुख्य रूप से मतदान के लिए प्रेरित करना जिला का उद्देश्य है। इस वजह से ही इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन लगातार 2 दिन तक जिला प्रशासन द्वारा किया गया। इन सभी कार्यक्रमों में सभी विभागीय अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति रही। शहर के नागरिकों और खासकर युवाओं में इन कार्यक्रमों के प्रति काफी उत्सुकता देखने को मिली। जिला प्रशासन द्वारा आयोजित इन कार्यक्रमों में युवाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। शहर के सभी प्रमुख स्कूल कॉलेजों के छात्र छात्राओं ने इस कार्यक्रम में अपनी उपस्थिति दी एवं इस बात का प्रण किया कि वे इस वर्ष अपने मतों का प्रयोग कर लोकतंत्र के प्रति अपनी भागीदारी निभाएंगे। जो 18 से 19 वर्ष के मतदाता हैं, जो हमारे नए जुड़े हुए हैं, उनको खास तौर पे इस कार्यक्रम से जोड़ने के लिए हमने रखा था, ताकि उनमें इतना एंथुजियाज्म रहे और उनको समझ में आए कि उनके वोट का कितना महत्व है। और जनरली क्या होता है, छुट्टी का दिन होता है मतदान का दिन, तो वोटर्स में एक एपथी देखी जाती है, खास तौर पे यूथ वोटर्स में वो पार्टिसिपेट करना नहीं चाहते हैं। तो उनको ये बताने के लिए आज हमारा एक आवाज़ ज़रूरी है का गाना भी लॉन्च हुआ है। इसके अलावा हमने बहुत सारे कार्यक्रम छोटे छोटे यहाँ पर रखे थे, ताकि अन्य लोग जो वृद्ध हैं, जो ऐसे लोग हैं, मतलब राहगिरी, इसका नाम ही है राहगिरी डे, तो रूट पे चलने वाले जो भी लोग हैं जिनको कि समय नहीं मिल पाता है कि वो मतदाता सूची से अपना नाम ढूंढ सके, तो उनको खास तौर पे बताया गया था कि वो NVSP पोर्टल से अपना नाम यहाँ पर ढूंढ सकते हैं। उसके लिए हमने पूरे सिस्टम यहाँ पर रखा हुआ है। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन से जितने भी हमें EVM VVPAT को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए या इलेक्शन से संबंधित जो भी वीडियोज़ हमें मिले हुए हैं, वो सारे वीडियोज़ का प्रदर्शन भी हम यहाँ कर रहे हैं, आप देख सकते हैं, उसको लगाया हुआ है हमने स्टेशन रोड पे, ताकि लोग आते जाते भी इसके महत्व को समझे। अलग से आपको कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, किसी BLO के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, आप सिंपली यहाँ पर खड़े होकर अपने नाम को ढूंढ सकते हैं और हमारा जो वोटिंग परसेंटेज इंक्रीज़ करने का लक्ष्य है उसको हम पूर्ण कर सकें। नहीं, बिल्कुल, प्रशासन का कार्यक्रम है और पुलिस भी एक प्रशासन का हिस्सा है, और प्रशासन जो नए नए
नए तरीके से लोगों को मोटिवेट करने का प्रयास कर रहे हैं। हमारा भी लोगों से आपके माध्यम से यही अनुरोध है कि अधिक से अधिक लोग आए, वोट करें, और सभी का इनफैक्ट ये कर्तव्य है कि ना ही अपने साथ आप खुद स्वयं आए बल्कि अपने साथ और भी एक व्यक्ति को लेके आए, जो हमारा इस बार का मोटो है, और मतदान का जो प्रतिशत है वो पिछले बार से अधिक करा रहे हैं। 20 नवम्बर को निर्वाचन होने वाला है और अनेकों अनेक कार्यक्रम किए जा रहे हैं। आज का जो कार्यक्रम था मतदाता राहगीरी दिवस के रूप में मनाया गया, जिसमें राहगीरों को और कॉलेज स्टूडेंट्स और जितने भी सड़क पर से लोग गुजर रहे थे उन सबको इस कार्यक्रम में शामिल करवा के संदेश सिर्फ एक ही देना है कि आगामी निर्वाचन में लोग अपने मताधिकार का प्रयोग करें और किसी प्रलोभन में ना आए, वोट देने अवश्य। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट।